नाम मसीम खां है। क्या मामला था जो ये हुआ? ये हमारी बहन और खलेरे भाई आ रहे थे यहाँ से आलमपुर से जा रहे थे घर पे, तो लोगों ने 4-5 लोगों ने हमला कर दिया। कहाँ से हमला करा? पता नहीं, चाकू से हमला, चाकू मार दिया भाई के सर में और बहन की वो कपड़े उपड़े फट गए। क्या विवाद था? विवाद ये था, आप उसमें लड़ाई हो गई थी भतीजे की ससुरालियों में, तो लोगों को पुराने निर्देश निकालने के चक्कर में इन दोनों को अकेला समझ के मारा। थाना कौन सा आपका? थाना बिक्की चैनपुर। थाने गए थे आप? थाने भी गए थे, थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल का भी हमारा केस हो गया, परसों भी हो गया, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या करते हैं ये? मजदूरी करते हैं, लकड़ी उकड़ी वगैरह मजदूरी की काट भी। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम यही कार्रवाई चाहते हैं कि उनकी जो उन्होंने क्या है चाकू मारा, उनके सब सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पैसे भी छीन लिए? पैसे भी छीन लिए और कुंडल भी निकाल लिया उसका, सोने का कुंडल वहीं गिर गया, उसका भी नहीं पता। घर पे आए थे और उसके बाद उनके लोग मारपीट कर गए, 20,000 रुपये रखे हुए थे, बोले गए। उनका कुछ माल मूल था, अभी शादी हुई 8 दिन, वो भी सब ले गए। क्या करते हैं बोलो? वो लोग पता नहीं, यही वो लोग कभी कोई बाहर जाके कोई काम करता है, कोई कुछ काम करता है, सब ऐसे उनके काम। दबंग है? जी हाँ, दबंग है। सब इकट्ठे होके आ गए एकदम। क्या कोई चाकू मारा क्या? हाँ सर में हमारे भाई को चाकू मारा। करीब कहाँ मारा? ये सर में मारा। ये कौन थे आपके जो भर्ती है यहाँ पे? ये बहन है हमारी। ये भर्ती कौन है? ये हमारा भाई, इसी को चाकू मार दिया। बड़ा छोटा भाई है। ये क्या करता है? मजदूरी? ये भी मजदूरी करता है। ये आलमपुर से जा रहे थे, उनको अकेला समझ के उन्होंने हमला कर दिया इनके ऊपर।